भारी बारिश के कारण किसानों की फसल हुई बर्बाद। शिवपुरी जिले की तहसील कोलारस के ग्राम अमरपुर में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने के कारण किसानों की खड़ी फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। गेहूं की फसल आंधी के कारण पूर्ण रूप से ग्रस्त हो चुकी है। चने की खड़ी फसल में भी भारी नुकसान देखने को मिला। कोलारस से दिलीप सेन की रिपोर्ट। अंत्योदय रसोई जो हमारी प्रचलित है उसके माध्यम से हम खाना बनवा रहे हैं और उसमें जन सहयोग की आप सभी लोगों से सहयोग लेकर उसमें अभी हमने सामान लिया है, कुछ क्रय किया, किराने का है, जैसे आटा है, ये है वो है, और उसमें आप जन सहयोग के माध्यम से खाना तैयार किया जा रहा है। और खाना बनने के पश्चात जो बेसहारा लोग या कुछ ऐसे जो हैं मानसिक रूप से पीड़ित हैं, जो आवारा घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए खाना खिलाया जा रहा है। और जो स्टेशन है, स्टेशन पर जो फुटपाथ पर जो लोग पड़े हुए हैं उनको है, और शेष वो लोग हैं जो बस्तियों में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्थाएं कम थी या कम होते जा रही हैं, ऐसे लोगों को जो है खाना वितरित किया जा रहा है। जो BPL सूची में नाम नहीं है या BPL सूची में है नाम और उनको खाद्यान्न कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को खाना प्रदाय किया जा रहा है। इसमें कोई बाहर का व्यक्ति आपके सामने भी आया है सहयोग में या? हाँ, इसमें एक सहयोग में हमारे PS होटल वाले जो हैं उनके द्वारा 1,00,000 का चेक उन्होंने प्रदान किया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे पुण्य कार्य पर उन्होंने सहयोग प्रदान किया है। और जनता से कोई अपील चाहेंगे? और जनता से यही चाहूँगा कि जन सहयोग, आप लोगों के सहयोग से बेसहारा लोगों को और गरीब लोगों को खाना प्रदाय किया जा रहा है। यदि कोई की इच्छा और यदि भावनाएं रहीं तो वो अपना अपना सहयोग किसी भी रूप में दे सकते हैं। ये कहाँ सूचित करें अगर किसी को सहयोग देना है? अगर विशेष सहयोग देना है तो कलेक्टर के माध्यम से भी, जिला कार्यालय से या फिर नगरपालिका से संपर्क किया जा सकता है। ये आपसे CM नगरपालिका से भी कर सकते हैं। ठीक है।